हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम पढ़ रहे थे डीसी थ्योरी, डीसी थ्योरी में हमने दो तीन लेक्चर लिया है, तो आगे चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रतिरोध के बारे में कुछ पढ़ा था, चलिए उससे आगे चलते हैं। तो थोड़ी सी उसके विपरीत पढ़ने का कोशिश करते हैं। इट मीन्स चालकता। हम पढ़ रहे थे अभी तक प्रतिरोध, अब हम अगला जो टॉपिक है आपको क्या है, चालकता। ये क्या है चालकता? इट मींस जिस प्रकार प्रतिरोध क्या करता है, किसी भी पदार्थ में विद्युत प्रवाह को विरोध पैदा करता है, उसी तरह चालकता पदार्थ का वह गुण है जो क्या करता है, विद्युत धारा को सुगमता प्रदान करता है। तो हम लिखेंगे किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, चालकता बोलेंगे। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, इसे इसका संकेत क्या होता है, इसे इसे जी से संकेत करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी बराबर 1/r होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक मात्रक क्या होता है, मात्रक साइमंस होता है। इसको एस से भी लिखते हैं, इसको एस भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए पहला डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगला जो डेफिनेशन है, जैसे कि आपने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध, तो यहाँ आपने पढ़ा चालकता, तो उसी से मिलता जुलता टॉपिक विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे। विशिष्ट चालकता क्या, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जैसा कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसी के विपरीत प्रभाव को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता बोलेंगे। तो लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव, विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाती। ठीक है, ओके। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मोहो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे मोहो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका संकेत मोहो है। सॉरी, मोहो नहीं होगा, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, 1/ρ होता है, ये सिग्मा है, सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है,
विशिष्ट प्रतिरोध के विपरीत प्रभाव को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका इसका जो यूनिट होता है मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है साइमन्स, साइमन प्रति सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध की चालकता 0.057 साइमन है और उसकी विशिष्ट चालकता 0.05 साइमन प्रति सेंटीमीटर हो, तो उसकी प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो देखिए, ये क्या है, चालकता का वैल्यू दिया हुआ है। इट मीन्स चालकता को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। जी दिया हुआ है, जी कितना है, जी बराबर 0.05 साइमन। और दूसरा जो वैल्यू दिया हुआ है क्या है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता यानी सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 0.05 क्या, साइमन प्रति सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, तो ठीक है ना, जी का फॉर्मूला लगाइए, जी बराबर 1/r होता है, तो यहाँ से आपको प्रतिरोध का मान निकल जाएगा, r बराबर 1/g हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, 1/g का वैल्यू 0.05 हो गया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए दशमलव से गया तो 2 0 ऊपर आया, तो ये 5 हो गया, तो 2×25 100 यानी 20 ओम आ गया इसका आंसर। उसी तरह रू यानी हमको क्या निकालना है, अब यहाँ से इसका हम पढ़े थे सिग्मा बराबर 1/रू, हमको निकालना क्या है, रो का वैल्यू, तो यहाँ से रो बराबर 1/σ हो जाएगा, तो सिग्मा का भी वैल्यू उतना ही है, कितना, 1/0.05, तो ये गया 2×0 = 25 100। अब यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, 20 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसी तरह और भी सॉल्व कीजिए, और इसके आगे हम चलते हैं प्रतिरोधों का जोड़, यानी कैसे कैसे आप जो उसका कनेक्शन होता है, कैसे कैसे आपको कनेक्शन मिलेंगे, तो उसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे। देखो, जो प्रतिरोध होते हैं उसको दो तरह से जोड़े जाते हैं, जनरली दो तरह से, सीरीज और पैरेलल यानी श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, ये जनरल फॉर्म है कोई भी प्रतिरोध को जोड़ने का। तो पहला जो हम टाइप देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। ओके, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि किस अगर कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसको आप इस तरह से जोड़ रहे हो, मतलब जहाँ पे ख़त्म हुआ है तो दूसरे प्रतिरोध का वहीं से स्टार्ट होता है, तो इस तरह से,
ये हो गया प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन। ठीक है, तो इसका आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, यदि प्रतिरोधों का संयोजन में विद्युत धारा सेम, यानी सेम होता है, एक ही विद्युत धारा सभी सभी प्रतिरोधों में जाता है, तो वैसे हम समूहन को श्रेणी क्रम समूहन बोलते हैं, क्योंकि विद्युत धारा को पास होने के लिए केवल एक ही मार्ग होता है इस तरह के समूहन में। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए शॉर्ट में, याद रहे। विद्युत सभी प्रतिरोधों में, सभी प्रतिरोधों में समान धारा या समान धारा ना लिख करके एक ही धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि सभी प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा, विभवांतर का मतलब वोल्टेज समझिए, इसके अक्रॉस अलग वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस अलग वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस अलग वोल्टेज होगा। ठीक है, ये किस पे निर्भर करेगा, ये प्रतिरोध के वैल्यू पर निर्भर करेगा। चलो, तो अगर अब हम इसका वैल्यू निकालते, इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। अब इन तीनों का जो हम क्या करेंगे, हमको पता है, हमको बस इतना बात पता चला कि सभी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा अलग अलग होगा, धारा सेम धारा होगा, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर I करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो इसमें भी करंट I ही फ्लो होगा, इसमें भी I धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, चलो तो हम इसको एक विद्युत सप्लाई से जोड़ देते हैं, विद्युत सोर्स से जोड़ दिए, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो रहा है उसको भी हमने माना, यहाँ पे लिख देते हैं भी वोल्टेज। ठीक है, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज जो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है, इसको मान लेते हैं V1, क्योंकि सभी के अक्रॉस तो अलग अलग वोल्टेज हैं, तो इसके बाद इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो रहा है इसको मान लेते हैं V2, इसके अक्रॉस V3। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज ये क्या है, VT मान लेते हैं, टोटल वोल्टेज VT बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना तक क्लियर हो गया, बेसिक में हमने पढ़ा था V बराबर IR, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम जानते हैं सभी में करंट जो फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है, हम माने कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से इसका जो हम मान लेते हैं VT बराबर V1 बराबर क्या हो जाएगा, I into R1 होगा प्लस I into R2 हो जाएगा प्लस
आई इंटू आर थ्री हो जाएगा। अब इसका भी वैल्यू रख देते हैं, भी टी बराबर आई इंटू आर टी हम रख देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस बराबर आई सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब देखिए आई से आई ये कैंसिल आउट हो गया, तो आर टी बराबर मतलब टोटल रेजिस्टेंस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर तीन प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो, अगर चार है तो इसी तरह आगे और बढ़ता जाएगा, पाँच है तो इसी में आर वन आर टू आर थ्री सभी ऐसे जुट जाएगा, ठीक है। अगर ये श्रेणी क्रम समूहन हुआ तब ये आपका श्रेणी क्रम समूहन है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके आगे देखते हैं, एक एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि ये प्रतिरोध इसके अक्रॉस हमको आर टी निकालना है, इसका 20 ओम है, 10 है, इसका पाँच है, इसका भी पाँच है, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा, इसमें कितना चार प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो आर टी बराबर क्या हो जाएगा, पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा उसके बाद कोशिश कीजिए। आर टी बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस, चलो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर। हमने इसे R1 माना, R2 माना, R3 माना, R4 माना, ठीक है। तो RT बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5, कितना हो गया, 30 10 40, तो RT बराबर कितना हो जाएगा, 40 ओम, ठीक है। ये है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, ओके। देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या है कि यदि 50 तथा 100 ओम के प्रतिरोध मान वाले दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट स्रोत के आर पर जुड़े हैं तो ज्ञात कीजिए कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल विद्युत धारा कितना होगा, प्रत्येक प्रतिरोध के का विभवांतर कितना होगा। तो पहले तो सर्किट बनाइए, कैसा बोल रहा है, एज्यूम कीजिए ये कैसा बोल रहा है, ये कैसा बोल रहा है कि एक है जो आपका 50 ओम का है, दूसरा है जो 100 ओम का है, कुछ ऐसा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और इसके आर पार जो जुड़ा हुआ है 220 वोल्ट का स्रोत जुड़ा हुआ है, ये जो भी का वैल्यू है 220 वोल्ट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आर टी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 50 प्लस 100 हो जाएगा श्रेणी क्रम में, यही तो हमने बताया था, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध आर कितना हो जाएगा, आर टोटल 150 ओम हो जाएगा, ठीक है। पहला का आंसर मिल गया, दूसरा इसमें विद्युत धारा का मान कितना होगा, जो हमने आई माना था इसका मान कितना हो गया, टोटल प्रतिरोध मेरा निकल गया, अब और वोल्टेज भी पता है, तो परिपथ विद्युत धारा पहला का ये, दूसरा परिपथ
विद्युत धारा यानी आई, आई का मान क्या होगा, आई बराबर क्या होता है वी अपॉन आर, वोल्टेज का मान दिया हुआ है, वोल्टेज का मान कितना 220, आर का मान, आर टोटल कितना है 150, इसको सॉल्व कर लीजिए जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, इसका मान आएगा 1.4667 क्या होगा एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तीसरा, अब देखो तीसरा क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर निकालिए, यानी जो इसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकालिए, इसके अक्रॉस फिर वोल्टेज निकालिए कितना होगा। चलो मैं V1 और V2 मान लेता हूँ, तो V बराबर आपको पता है V बराबर IR, तो अगर हम V50 मान लेते हैं, तीसरा का आंसर V50 इसको मान लेते हैं और V100 मान लेते हैं, यानी V50 बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR, R का वैल्यू पता है आपको, I का भी वैल्यू अब पता चल गया, तो यहाँ से I का वैल्यू 1.467 इंटू R का वैल्यू 50, ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 73.35, ये क्या हो जाएगा वोल्ट होगा। अब इसी तरह V100 भी निकाल लीजिए, V100 कितना हो जाएगा, इसी तरह IR हम कर लेंगे, V बराबर IR, तो इसका मान कितना हो जाएगा, कितना है 1.467 इंटू 100, तो इसका जो मान आ जाएगा 146.7 आ जाएगा, 7 वोल्ट, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, तो आज के सेशन में इतना ही, अगले में हम समानांतर क्रम देखेंगे और फिर दोनों को मिलाकर हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब इसके बाद हम एक सीरीज लाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है, थैंक यू।